TES स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8 शुरू करेंगे। वर्ड्स मैंने ऑलरेडी बना लिए हुए हैं, वर्ड्स मैंने लिख लिए हुए हैं और मैंने यहाँ पे टेबल भी बना लिया हुआ है। पा में वी आल गो टू, ये हमारी हैवी साउंड है बाबल की। दैट पेन इज नॉट मच गुड, ये हमारी शार्ट साउंड है बाबल की। तो शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास पहला वर्ड है पाल, पी के साथ है एल। अब पाल, इसमें किसकी साउंड आ रही है? आल की। अगर हमारी आल की साउंड होगी तो पहला स्ट्रोक अबव द लाइन, और आल में हम बनाते हैं हैवी डैश, लेकिन कहां पे बनेगा? इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन पी की आफ्टर साइड। ये पी की आफ्टर साइड है और हैवी डैश। पाली, अब आ की छोटी साउंड है। आ की छोटी साउंड हो तो एक ही बाबल है, नॉट वाला, तो नॉट भी हमारा इनिशियल वाला बाबल है, तो ये भी इनिशियल पे बनेगा स्ट्रोक, और नॉट भी हम लगाते हैं लाइट डैश, लेकिन लगेगा आफ्टर साइड। और वाई, जिसमें वाई दिया होगा उसमें आई वाली साउंड आएगी, तो आई वाला कौन सा वावल है? इज वाला, तो इज का वावल होगा, तो लाइट डार्ट कहां पे बनाना है? फाइनल पॉइंट पे, लेकिन आफ्टर साइड। टॉल, आल की साउंड है, तो आल की साउंड होगी पहला स्ट्रोक अबव द लाइन, आल में हम क्या बनाते हैं? हैवी डैश, इनिशियल पॉइंट पे, आफ्टर साइड। डाली, अब आ की छोटी साउंड है, आ की छोटी साउंड होगी तो एक ही वावल है, नॉट वाला, तो आफ्टर साइड नॉट की साउंड और वाई में लाइट डॉट। बाट, बी ओ टी, बा बी के आफ्टर पे आ की लंबी साउंड है, अगर आ की लंबी साउंड होगी तो आल वाली साउंड, तो आफ्टर साइड हैवी डैश। बाडी, अब आ की छोटी साउंड है, आ की छोटी साउंड होगी तो एक ही वावल है, नॉट वाला, तो पहला स्ट्रोक अबव लाइन पे, और नॉट में हम लगाते हैं लाई डैश, और वाई में लगती है आई वाला बाबल। आई वाला बाबल कहां पे लगता है? थर्ड प्लेस पे। जैसे वर्ड है कोल, किसकी साउंड है? गो की, के ऑन द लाइन और एल हैवी डैश। गल, किसकी साउंड है? मच की, तो मच की साउंड होगी ऑन द लाइन बाबल लाई डैश। रोट, गो की साउंड कहां पे आएगा बाबल? मिडिल पॉइंट पे हैवी डैश। रट, किसकी साउंड है? मच की, कहां पे आएगा बाबल? मिडल पॉइंट पे। डोम, किसकी साउंड है? गो की, कहां पे आएगा बाबल? मिडल पॉइंट पे, लेकिन आफ्टर साइड। डम, किसकी साउंड है? मच की। डम बीच में साइलेंट है, मच की साउंड है, तो मिडल पॉइंट पे लाइट डैश। कीड, के आफ्टर साइड किसकी साउंड है? वी की। आपने वी की साउंड कहां पे लगानी होती है? थर्ड पॉइंट पे, लेकिन जब हमें दो स्ट्रोक दिए हों, अगर साउंड आ रही है थर्ड प्लेस की, तो सेकंड स्ट्रोक के साथ ही वावल लगाना होता है। जैसे वर्ड है किड, द्वारा इसकी साउंड है, इस वाला वावल कौन सा है? आई वाला, थर्ड प्लेस पे, लेकिन थर्ड पॉइंट पे आएगा बिफोर से। गिड्डी, किसकी साउंड है? बिफोर आफ्टर दोनों में इसकी साउंड है। लीक, किसकी साउंड है? वी की, थर्ड पॉइंट पे वी की साउंड आ जाएगी। लिक, आई वाला वावल किसकी साउंड है? इज वाली, लाइट डॉट। किल, किसकी साउंड है? इसकी, लाइट डॉट, थर्ड पॉइंट पे। फेड, किसकी साउंड है? मे की, मिडल पॉइंट पे मे की साउंड। जैसे वर्ड है फेड, छोटी, किसकी साउंड है? पेन की, मिडल पॉइंट पे लाइट डॉट। जैसे वर्ड है लेड, किसकी साउंड है? मे की, मिडल पॉइंट पे हैवी डॉट। लेड, छोटी, किसकी साउंड है? पेन वाली, सेंटर पॉइंट पे लाइट डॉट। रेड, किसकी साउंड है? मे की, हैवी डैश, हैवी डॉट, मिडिल पॉइंट पे। रेड, किसकी साउंड है? छोटी, पेन वाली, लाइट डॉट। पील, किसकी साउंड है? वी की, थर्ड पॉइंट पे हैवी डॉट। पिल, आई वाला बाबल, इज वाली साउंड। पिल्लो, पहले इसकी साउंड, एल के बाद लो, लो में ओ की साउंड, हैवी डैश। पिल्लोड, इसकी साउंड, ओ की साउंड। बुल्ली, अब ऊ की छोटी साउंड है, ऊ की छोटी साउंड होगी तो हमारा गुड वाला वावल लाई डैश, और बाई में इज वाली साउंड। बुल्लीड, ऊ की साउंड, इज की साउंड। हीड, वी की साउंड। हिड, इज वाली साउंड। हुड, गुड वाली साउंड। चीप, वी की साउंड। चिप, इज वाली साउंड। रीड, वी वाली साउंड। जितने भी हमारे बाबल हैं, अगर हमारी इनिशियल वाली साउंड होगी तो पहला स्ट्रोक अबव द लाइन,
अगर मिडल वाली साउंड होगी पहला स्ट्रोक ऑन द लाइन, थर्ड पेस वाली साउंड होगी पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन। ये हमारी एक्सरसाइज 8 है। तो इसमें अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले बेल आइकन को दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।